नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम सूचना लेखन पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने 10th क्लास के लिए ग्रामर के काफी सारे टॉपिक पढ़े, जिसमें पत्र लेखन था और इसके अलावा भी अन्य काफी सारे ग्रामर के टॉपिक्स हमने देखे। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं सूचना लेखन। सूचना यानी कि नोटिस राइटिंग। कक्षा आपने इंग्लिश में भी नोटिस राइटिंग पढ़ा होगा, उसी तरह से हिंदी में भी सूचना लेखन पढ़ने जा रहे हैं। लिखने का तरीका सेम ही होता है, थोड़ा सा इसमें हिंदी में फॉर्मेट को लेकर थोड़े बदलाव हो सकते हैं। तो सूचना लेखन क्या है? सूचना लेखन कम से कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी संक्षिप्त जानकारी होती है। औपचारिक शैली का मतलब है कि कुछ औपचारिकताएं इसमें करनी होती है, जिस प्रकार से हमने औपचारिक पत्र पढ़े थे। औपचारिक पत्र भी हमारा एक फॉर्मेट के थ्रू लिखा जाता है, उसी प्रकार से सूचना लेखन भी एक औपचारिक फॉर्मेट में ही लिखा जाता है। यदि हम परीक्षा में इसको एक फॉर्मेट में डालकर नहीं लिखते हैं तो उसके नंबर कट जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि सूचना लेखन कम से कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी एक संक्षिप्त जानकारी होती है, शॉर्ट में लिखी एक जानकारी होती है, और उस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, यानी जो जानकारी है, सूचना है, सार्वजनिक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है सूचना लेखन। यह आम व्यक्तियों यानी आम जनता तथा संगठनों द्वारा, यानी किसी भी संस्था द्वारा, किसी संगठन द्वारा या आम नागरिकों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, यानी ये उपयोग में लाई जाती है। यानी आम जनता भी इसका प्रयोग कर सकती है और साथ ही कोई संस्था, कोई संगठन भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग किन किन चीजों में किया जाता है देखते हैं। इनका प्रयोग हम जन्म, मृत्यु, उद्घाटन, कोई सरकारी आदेश, किसी सेल का बताने के बारे में बताना, विशिष्ट अवसर की जानकारी देना, किसी को किसी कार्य के प्रोग्राम में आने के लिए निमंत्रण पत्र देना आदि, ये सारे अवसरों पर हम किसी सूचना को प्रेषित करते हैं, किसी सूचना को लिखते हैं, ताकि संबंधित लोग उससे संबंधित जानकारी को ले और वहां पर उपस्थित हो। तो इन सब चीजों के लिए हमें इनका प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें जन्म है, मृत्यु है, उद्घाटन है, निमंत्रण है, आमंत्रण है, किसी की नौकरी से बर्खास्त भी है, किसी की नौकरी में अपॉइंटिंग है, इन सारे किसी कोई सरकारी आदेश है या कोई गैर सरकारी आदेश है, और ये जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए हम सूचना का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, सूचना से तात्पर्य है किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना। सार्वजनिक करना यानी लोगों तक पहुंचाना, किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना, लोगों तक पहुंचाना सूचना लेखन कहलाता है। अब सूचना लेखन जो है वो उनमें हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें भी औपचारिकता होती है, औपचारिक पत्र की तरह, यानी एक विशेष तरह का फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है। तो अभी आगे हम देखेंगे कि एक अच्छी सूचना पर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी एक अच्छी सूचना लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं संस्था का नाम, यानी जिस भी संस्था या संगठन या स्कूल द्वारा ये सूचना जारी की जा रही है, उस संस्था का नाम सबसे पहले उस नोटिस में लिखा होना चाहिए, सूचना में लिखा होना चाहिए कि सूचना कहां से जारी हुई है। विशेषकर बच्चों, हमने देखा है कि किसी खास कार्यालय, किसी संस्था या किसी संगठन, या फिर सबसे ज्यादा हमने देखा है स्कूल में, इन सब जगहों पर नोटिस या सूचना को लिखने के लिए एक विशेष लकड़ी का बोर्ड बनाया जाता है, जिसे हम सूचना पट बोलते हैं या नोटिस बोर्ड बोलते हैं। और किसी भी कार्यालय में, संस्था में या स्कूल में संबंधित जानकारी देने के लिए इस सूचना को लिखकर कहां लगाया जाता है? उस सूचना बोर्ड पर लगाया जाता है, ताकि आने जाने वाले विद्यार्थी या संगठन के कर्मचारी उस सूचना को पढ़े और उससे संबंधित जानकारी ले। तो सबसे पहले एक अच्छा नोटिस तभी कहलाता है जब उसमें सबसे पहले संस्था का नाम लिखा हो, यानी वो
किस स्कूल द्वारा, किस संस्था द्वारा या किस कार्यालय द्वारा प्रेषित की गई है, यानी कि सूचना जारी की गई है। वही अगर हम दूसरा बिंदु देखें तो है दिनांक, यानी सूचना में ऊपर की तरफ फॉर्मेट में बाई तरफ दिनांक लिखी होनी चाहिए कि वो दिनांक होनी चाहिए किस दिन की, जिस दिन सूचना जारी हो रही है उस प्रोग्राम की या उस कार्य की नहीं, बल्कि उस दिन की जिस दिन ये सूचना जारी हो रही है। जैसे कि मान लो बच्चों आप आज से 15 दिन बाद पिकनिक पर जाने वाले हैं, तो उसकी सूचना 15 दिन पहले की होगी, यानी कि आपको पिकनिक की डेट तो बीच में होगी होगी, उसके पहले ये सूचना ऊपर की तरफ यानी उसमें दिनांक लिखी होगी कि ये सूचना कितनी तारीख को आपको बताई गई है। तो दिनांक का होना सूचना में परम आवश्यक है। वही हम अगले बिंदु की बात करें तो शीर्षक, यानी जो भी सूचना हो उसका विषय जरूर हो, कि पिकनिक की सूचना है, कोई वाद विवाद कॉम्पिटिशन की सूचना है, कि नेत्र जांच का कोई शिविर लग रहा है, या आपके स्कूल में कोई खेल का आयोजन हो रहा है, या कुछ और पार्टी हो रही है, या कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसकी सूचना की जानकारी शीर्षक के रूप में ऊपर सूचना में लिखी जानी चाहिए। वही हम आगे की बात करें नारा स्लोगन, यदि हमारी सूचना कोई ऐसी सार्वजनिक सूचना है जिसमें कि कुछ समाज से रिलेटेड कोई अच्छा कार्य किया जा रहा है, तो उससे संबंधित कोई स्लोगन या नारा भी जो है हमें सूचना के मध्य में लिखना चाहिए, ताकि उसको पढ़कर लोग आकर्षित हुए। जैसे कि कोई मानो सेल की सूचना है तो उसमें हम लिख सकते हैं कि जल्दी आए जल्दी पाए, पहले पहले आए पहले पाए, तो इस तरह का स्लोगन, या वृक्षारोपण कार्यक्रम कोई आयोजित करने जा रहा है तो वृक्षों से संबंधित, वृक्षों की सुरक्षा से संबंधित कोई स्लोगन उसमें डाला जा सकता है। वही अगर अगले बिंदु की बात करें तो है हमारा अगला बिंदु उद्देश्य, उद्देश्य यानी कि मोटिव यानी विषय। तो सूचना में विषय का होना परम आवश्यक है, यानी किस विषय पर सूचना लिखी जा रही है, पिकनिक पर है या कोई कंपटीशन पर है, कि स्कूल में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम पर है या कोई प्रोग्राम होने जा रहा है, उसकी जानकारी देने के लिए है, यानी कि सबसे पहले उद्देश्य होना चाहिए, यानी विषय होना चाहिए किस विषय पर सूचना जारी की जा रही है। वही अगर हम अगला बिंदु देखें तो समय, यानी सूचना में प्रोग्राम या काम या कोई कार्य जो हो रहा है वो किस समय पर होगा, उसकी सही सही जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रोग्राम या ये कार्य इतने से इतने बजे तक होगा, फिर उसी में स्थान कि वो कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके वाद विवाद प्रतियोगिता होने जा रही है, तो आपको इतनी बड़ी बिल्डिंग में पता ही नहीं कि कहाँ हो रही है, तो सूचना में समय के साथ साथ स्थान का भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता की मान लो कोई सूचना है तो उसमें यह होना चाहिए कि कहाँ पर होगी, स्कूल के मीटिंग हॉल में होगी, स्कूल के सभागार में होगी, हॉल में होगी, या उस क्लास में होगी, या 9C में होगी, या 9B में होगी, या किस सेक्शन में होगी, किस जगह पर होगी, यानी आपको वेन्यू यानी स्थान जरूर लिखना है। तो ये सारे बिंदु हमारी सूचना में होने आवश्यक है, संस्था का नाम, दिनांक, शीर्षक, नारा या स्लोगन और उद्देश्य, विषय और समय और स्थान। तो ये सारी औपचारिकताएं दिखाते हुए हम एक अच्छा सूचना लेखन लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि पत्र सूचना लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे कि कुछ सूचना के नमूने देखेंगे हम औपचारिक और अनौपचारिक मीटिंग के लिए, यानी कि जब कोई, अब हम यहाँ पर अलग अलग उदाहरणों के द्वारा देखेंगे कि किन किन चीजों में, किन सूचना लेखनों में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे इस वाले में अभी हम देखेंगे औपचारिक और अनौपचारिक मीटिंग के लिए यदि कोई सूचना जारी होती है तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि स्कूल के प्रिंसिपल सर की तरफ से आपके लिए कोई नोटिस जारी हुआ कि आपको मीटिंग में शामिल होना है, तो इस मीटिंग में आपको किन किन बातों, इस मीटिंग की सूचना लिखते समय क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, यानी किसी औपचारिक, वो किसी संस्था की मीटिंग हो सकती है, किसी सरकारी कार्यालय की मीटिंग हो सकती है, किसी ऑफिस में मीटिंग हो सकती है, या फिर अपने कुछ ग्रुप बना हुआ उसके सदस्यों की मीटिंग हो सकती है, लेकिन उस मीटिंग वाले फॉर्मेट में हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो दिनांक, कि कितने दिनांक को, यानी कि जब भी मीटिंग होगी उसके एक दिन दो दिन पहले सूचना जारी होगी, तो वही वाली डेट यानी जिस दिनांक को सूचना जारी हो रही है वो सबसे पहले उसमें दिनांक होनी चाहिए, ताकि पता रहे कि कब मीटिंग थी, ये सूचना
सूचना कब जारी हुई है। फिर स्थान की मीटिंग कहाँ पर होगी, स्कूल के हॉल में होगी, ऑडिटोरियम में होगी या फिर प्रिंसिपल सर के रूम में होगी, जिस भी क्या कार्यालय में होगी, यानी कि आपको स्थान उसमें लिखना है और समय लिखना है कि कितने बजे होगी। टाइम उसमें दिया होगा कि इतने से इतने बजे तक आपको यहाँ पर इस स्थान पर इतने दिनांक को उपस्थित होना है। फिर एजेंडा, एजेंडे का मतलब उद्देश्य यानी विषय कि किस विषय पर मीटिंग की जा रही है, किस किस को आना है। अच्छा, कुछ जो ऑफिशियल और औपचारिक और अनौपचारिक मीटिंग होती है उसमें सभी लोगों को तो नहीं बुलाया जाता, यानी कुछ विशेष लोगों को बुलाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल सर को हेड बॉय हेड गर्ल और हाउस के इंचार्जेस से मीटिंग लेनी है तो वो उसमें उल्लेख करेंगे कि सभी हाउसों के इंचार्जेस उसमें मीटिंग में शामिल होंगे, तो उसमें ये बता दिया जाता है कि किस किस लोगों को मीटिंग में आना है। या फिर जैसे मान लो नाइन्थ क्लास के टीचर्स की मीटिंग है तो केवल उसमें लिखा होगा कि नाइन्थ के सभी कक्षा अध्यापक इस मीटिंग में उपस्थित हो। तो इस तरह से वहां उल्लेख कर दिया जाता है कि किस किस को आना है, यानी मीटिंग में कौन कौन लोग उपस्थित होंगे, हाउस मास्टर्स होंगे या क्लास टीचर्स होंगे या किस क्लास के क्लास टीचर्स होंगे, अगर बच्चों को बुलाया है तो क्या मॉनिटर्स की मीटिंग है या फिर केवल जो है हाउस के इंचार्जेस बच्चों की मीटिंग है। तो इस तरह से जब भी किसी मीटिंग का जो सूचना लेखन होती है उसमें किस किस को आना है, इसका भी एक सूचना में लाइन को डाला जाता है कि ये लोग इस मीटिंग में उपस्थित होंगे। वहीं अगला देखें विशिष्ट निर्देश, यानी मीटिंग में कुछ के बारे में कुछ विशिष्ट निर्देश उस सूचना लेखन में लिखे होते हैं कि आप लोगों को सभी को इस विषय पर तैयारी करके आनी है, इस विषय पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर आपको कहा जाएगा कि आप सब लोग अपने अपने डायरियां और इससे संबंधित जानकारी साथ में लाएं, या जैसे टीचर्स के लिए तो आपको अपना अपना टाइम टेबल डिस्कस किया जाएगा, टाइम टेबल अपने अपने साथ अपना अपना टाइम टेबल लेके आए। तो इस तरह की कुछ विशेष निर्देश ऐसी मीटिंग वाली सूचनाओं में जारी किए जाते हैं। फिर उसमें सूचना में एक और होता है संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और पता, कि इस मीटिंग से संबंधित अगर अधिक जानकारी लेनी है किसी को तो इस व्यक्ति से आप संपर्क कर सकते हैं, उसका नाम एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए। जैसे मान लो पिकनिक की कोई सूचना हो रही है, यहाँ भी हम मीटिंग की बात करें, मीटिंग से संबंधित कोई सूचना हो रही है, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है और आपको क्यूरियोसिटी हो रही है किस विषय पर मीटिंग है, तो इसमें संपर्क में उस व्यक्ति का नाम सूचना लेखन में डाला जाता है जिससे आप वो सारी बातें पूछ सकते हैं। जैसे कि आप ये पूछ सकते हैं कि कक्षा इस हाउस के इस इंचार्ज से आप इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इससे संबंधित सारी जानकारी आप रिसेप्शन से ले और मोबाइल नंबर डाला जा सकता है। तो इस तरह से जो है बच्चों जो मीटिंग की जाती है, मीटिंग की कोई सूचना जारी होती है औपचारिक और अनौपचारिक मीटिंग की, तो हमें इन सारी चीजों का उसमें ध्यान रखना चाहिए, दिनांक समय स्थान एजेंडा यानी उद्देश्य विषय किस किस को मीटिंग में आना है और उसके साथ ही विशेष निर्देश होने चाहिए कि मीटिंग में क्या क्या किस किस विषय पर मीटिंग की जा रही है, तो उससे संबंधित जानकारी लेकर लोग उपस्थित हों, साथ ही संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम पता और मोबाइल नंबर, ताकि जो सूचना से संबंधित जानकारी है वो इससे हासिल की जा सके। तो आशा है बच्चों आपको सूचना लेखन का तात्पर्य तो इसके बारे में जानकारी, साथ ही सूचना लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए ये, और औपचारिक अनौपचारिक मीटिंग में हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। आशा है आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।